हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इस टीचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8 से 9 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये नेट का कपड़ा लिया है और ये जो कपड़ा है ये मैंने अस्तर के लिए लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास कपड़ा रखा हुआ ही था तो उसी को मैंने अस्तर के लिए यूज कर लिया है। अगर जो आप अस्तर के लिए अलग से कपड़ा ले रहे हैं तो आप 1.5 मीटर कपड़ा लीजिएगा। तो अभी देखिए, यहाँ से ये डबल फोल्ड है कपड़ा, तो इसको ऐसे ही फोल्ड रहने देंगे। फिर से इसको ऐसे 4 फोल्ड में बराबर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर से टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। टॉप पार्ट की लंबाई रखनी है 11 इंच के, 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 12 इंच पे। इस साइड में भी इसी बराबर से निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये तो हो गया इसकी लंबाई का निशान। अब हमें यहाँ पे शोल्डर लेने हैं। शोल्डर हम रख रहे हैं 5.5 इंच के, 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे। साइज इसका जो है वो है 30 इंच, उसका चौथाई लेंगे 7.5 इंच। कमर है इसकी 28 इंच, 28 का चौथाई लेंगे 7 इंच और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। बाकी जो बाहर की साइड में कपड़ा है ये हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक का निशान लगाना है। नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच की। नेक की जो डीपनेस रखनी है वो रखनी है 3 इंच की। बैक नेक की 3 इंच की रखेंगे और जो हमारा फ्रंट नेक रहेगा उसकी डीपनेस रखेंगे हम 4 इंच की। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए। ये हमारी 3 इंच से बैक नेक की डीपनेस हो जाएगी और यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। यहाँ पे हल्का सा शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अभी हम बैक नेक से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर लिया है। अभी जो इसका बैक पार्ट है उसको हम इस तरह से खोलते हुए रखेंगे और बैक पार्ट में एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे। 3 इंच पे यहाँ पे इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अभी इसको हम हटा देंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको फिर से ऐसे फोल्ड करके रखना है। अब हम यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे और जो शोल्डर है उसको भी थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गोलाई देंगे, जो कि मैं पहले भूल गई गोलाई देना। तो इसको हम बैक पार्ट को भी इसी बराबर से ऐसे रख लेंगे। और यहाँ पे हम 1 इंच से इस तरह से गोलाई देते हुए इसको हम कट कर लेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर जो आप इसे कट नहीं करना चाहते तो आप एकदम स्ट्रेट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको कट कर लिया है। अभी जो हमारे ये पार्ट है इनकी कटिंग हो गई है। ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसमें नीचे का जो घेर है वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। 11 इंच का हमारा टॉप पार्ट रहेगा, उसे निकालते हुए यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें रखनी है 32 इंच की। 1 इंच मार्जिन ले लेंगे तो हमने यहाँ पे निशान लगाया 33 इंच पे। दूसरे साइड में भी इसी बराबर से निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने इसको सीधा कर लिया। अब ऊपर का टॉप पार्ट लेंगे और यहाँ से इसको हम ऐसे कमर के बराबर से मिलाएंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। तो ये हमने कमर का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इसको इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे। तो अगर जो आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो थोड़ा सा घेर बढ़ा के और ले सकते हैं। हमारे पास जितना कपड़ा था उसी में मैंने इसको बनाया है। ये मैंने निशान लगा लिया। 1.5 इंच निशान हम एक ऊपर की साइड में लगाएंगे और यहाँ से इसकी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इसी शेप में इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए, इसका साइड से थोड़ा सा घेर हम और बढ़ा लेंगे। तो ये जो हमारे पास साइड से ये वाला कपड़ा निकला हुआ है, ये 2 पट्टियां हैं, इनको हम अलग अलग कर लेंगे
और बाकी जो हमारा साइड से और कपड़ा निकला हुआ है इसमें से हमें इसी बराबर की दो पट्टियाँ और कट कर लेनी हैं। तो इसको इस तरह से रख लेंगे और इसी बराबर की हम दो पट्टियाँ और कट कर लेंगे। तो ये हमारी चार पट्टियाँ हो जाएंगी और इनको हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के जोड़ लेंगे, तो हमारा जो घेर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी इसमें हमें फ्रिल अटैच करनी है जो कि हम जो हमारा नेट का कपड़ा है उससे बना के इसके ऊपर लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा घेर हमें रखना भी नहीं है इसमें। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी सिलाई। तो देखिए ये जो टॉप पार्ट है इनको ले लेंगे और इसी बराबर से हमें जो हमारा ये मेन फैब्रिक है इसको कट करना है। तो साइड से हम इसको इस तरह से फोर फोल्ड करके रख लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसी बराबर से हमें कट कर लेना है। तो थोड़ा सा भी मेन फैब्रिक को हमने बढ़ाते हुए ही कट किया है। जब इसमें सिलाई लगा लेंगे तो बाहर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम अस्तर को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी सेम ऐसे ही जोड़ के रेडी करेंगे और बाकी जो हमारे पास मेन फैब्रिक बचा हुआ है अब उसमें से हम फ्रिल बनाने के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। तो इसको ऐसे फोर फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ पे हम फ्रिल की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 7.5 इंच की और 1 इंच हम और इसमें प्लस कर लेंगे। अगर जो आप यहाँ पे दोनों साइड में फोल्ड करके इसे बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 इंच मार्जिन रखिएगा। ये जो कपड़ा है ये नेट का कपड़ा है तो इसको हम फोल्ड नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 इंच ही मार्जिन रखा है। अब इसी बराबर की हमें और ढेर सारी कलियाँ कट कर लेनी हैं इस तरह से। ये देखिए जितने आपके फ्रॉक का नीचे का घेर की लंबाई है उसको आप 3 में डिवाइड करिए और जितना भी आता है उसमें 3 इंच बढ़ा के आप यहाँ पे फ्रिल के लिए कलियाँ कट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक पट्टी को हम पूरी लेंगे और जो दूसरी पट्टी है उसमें से हम आधे कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए अब इस वाले आधे कपड़े को इसमें हम पूरी वाली पट्टी में जोड़ के लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो ये किनारी है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे इसमें हम इसको इस तरह से रखते हुए जोड़ लेंगे। इसके बाद इसमें से हमें फ्रिल बनानी है। तो जितना हमारा ऊपर का घेर है कमर से मिलाते हुए उसी बराबर की ही हमें यहाँ पे इस तरह से फ्रिल बना के पूरी रेडी करनी है। ये देखिए इस तरह से। अब जो दूसरी फ्रिल को हम लगाएंगे उसके लिए जो हम पार्ट लेंगे वो हम 2 पट्टियाँ लेंगे, एक ये पट्टी और एक ये पट्टी। 2 पट्टियाँ हमें पूरी पूरी लेनी है, इनको भी जोड़ के यहाँ पे फ्रिल बना लेनी है। इससे हम जो साइड में डोरी लगाते हैं जो आधी वाली पट्टी उससे डोरियाँ बना लेंगे। तो ये 2 पार्ट के लिए हो गए। अब जो तीसरा पार्ट है उसके लिए हम 3 पट्टियाँ लेके जोड़ के फ्रिल बनाएंगे। तो इनसे भी हम फ्रिल बना के रेडी कर लेते हैं। अभी मैंने ऊपर के पार्ट को जो मेन फैब्रिक अस्तर था उसको भी जोड़ के रेडी कर लिया है। ये देखिए अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट का जो नेक है यहाँ पे जो मैंने कट लगाया था उसको बना के रेडी कर लेंगे। इसको ऐसे सीधी साइड में रखेंगे। यहाँ पे छोटी सी पट्टी ली है और यहाँ पे जहाँ तक हमारा कट था वहाँ तक इस तरह से वी शेप में हम सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसको हम बैक साइड में पलट के फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नेक मैंने बना के रेडी कर लिया है। इसके बाद इसको हम फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टा करते हुए रखेंगे, शोल्डर जोड़ लेंगे। तो ये मैंने शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। ये देखिए अब हमें यहाँ पे इसका नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए हमने उरेब में कट की हुई पट्टी ली है और इसको हम ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको सीधी साइड में फोल्ड करते हुए पाइपिंग बना लेंगे। और अभी देखिए हमने यहाँ पे इसके स्लीव की कटिंग नहीं करी थी, तो बाकी ये जो कपड़ा है इसको हम ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की जो हमें लंबाई रखनी है वो 6 इंच की रखनी है, तो 6 इंच की ही हम यहाँ पे सीधी पट्टी कट कर लेंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा तो 1 इंच हम यहाँ पे अलग से पट्टी जो ऐड करेंगे तो उसमें 1 इंच लंबाई बढ़ जाएगी। तो जो 1 इंच यहाँ पे हमारी मार्जिन में जाएगी वो उसमें बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने 6 इंच की ही सीधी पट्टी कट कर ली है। इसी बराबर की एक और पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम फ्रॉक में पफ वाली स्लीव बनाते हैं वो हम बनाएंगे। अगर जो आपको इस तरह की स्लीव बनाना सीखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मैंने नेक भी बना लिया है और ये जो स्लीव हैं वो कुछ इस तरह से बना के रेडी किया है। इनको भी अब हम जोड़ लेंगे। तो देखिए स्लीव को हम इस तरह से रखेंगे, फ्रंट साइड में हल्की सी गहराई दे देंगे और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। दोनों साइड की स्लीव मैंने जोड़ के रेडी कर लिया है। इसमें मैंने अस्तर का यूज नहीं किया है। ये देखें अभी इसको इस तरह से साइड में करेंगे और इसका जो नीचे का घेर है उसे बना के रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो साइड के लिए हमने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कट करके लिया था उसको भी यहाँ पे जोड़ के मैंने रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट में हमने दोनों साइड में एक एक पट्टी को जोड़ लिया है। अब एक साइड से इसको इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे, एक साइड जो है उसको हम पूरा ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसको ले लिया है और नीचे का जो ये बॉटम था इसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे इसको ऐसे खोलते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। तो अब हमें यहाँ पे पूरे में 7 इंच पे ही निशान लगाते हुए यहाँ पे सीधी लाइन बना लेनी है। ये देखिए ये मैंने बराबर से निशान लगा लिए हैं। अब इस निशान को इसी बराबर से ही हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने सीधा कर लिया। अब फिर से हमें 7 इंच की दूरी पे एक और निशान लगाना है, इसको भी हम इसी बराबर से ही निशान लगाएंगे और इसको भी हम इसी तरह से ही सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दो लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर ली है क्योंकि हमें यहाँ पे जो फ्रिल की लेयर लगानी है वो 3 लेयर लगानी है। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पट्टियाँ कट करी थी फ्रिल बनाने के लिए, तो वो सारी फ्रिल जो हैं वो भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, तो जो हमने 1.5 जोड़ के फ्रिल बनाई थी उसको हम सबसे ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम ऐसे ही रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो हमने 2 पट्टियाँ जोड़ के फ्रिल बनाई थी उसको क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे ये जो मैंने सीधी लाइन बनाई थी उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और जो 3 पट्टियाँ जोड़ के मैंने फ्रिल बनाई थी इसको हमें यहाँ पे सबसे नीचे लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको भी हम जोड़ के रेडी कर लेंगे। तो ये सारी फ्रिल जो हैं मैंने यहाँ पे जोड़ के रेडी कर लिया है। ये देखिए 3 लेयर हमारी जो हैं वो इस तरह से जुड़ के रेडी हो गई हैं। और नीचे की साइड में जो बाहर की साइड कपड़ा निकला हुआ था उसको मैंने कट करके बराबर कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ये नेट का कपड़ा था। अगर जो आप मोटे कपड़े पे बनाते हैं तो आप इसको बराबर ही रखिएगा क्योंकि नीचे से हम फोल्ड करके उसे सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर का हम टॉप पार्ट लेंगे और इसमें देखिए एक साइड में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग का निशान बराबर से लगा लेंगे। इस तरह से फिटिंग वाले निशान से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। और ये हमने यहाँ पे एक डोरी बना के लिया है, इसको यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई के साथ में ही सिल के रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए अब इसको इस तरह से खोलते हुए रखेंगे और ये जो नीचे का पार्ट है इसको हमें इसके ऊपर ऐसे घुमाते हुए रखना है। और अब हम यहाँ पर इस तरह से रखते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए एकदम ये बराबर से ही आएगी। ये मैंने सिलाई लगा लिया है, ये देख सकते हैं एक साइड हमारा अभी ओपन है। अभी इसको ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे इसका ये जो दूसरा वाला साइड है यहाँ पे भी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और जैसे कि मैंने एक साइड में डोरी अटैच किया था दूसरे वाले साइड में के लिए भी मैंने डोरी बना के लिया है, इसको हमें दूसरे वाले साइड में जोड़ के ले लेना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई के साथ ही यहाँ पे इसको भी जोड़ लेंगे और ऊपर से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है और नीचे तक हम सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। तो इसे सिलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं सिंपल से सिंपल तरीके से बता सकूं। आप और भी तरीके से भी इसे बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
और ये वाला तरीका आप बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लिया है। अभी मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए सीधा करने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। और बैक साइड में जो मैंने इसका नेक बनाया था वहाँ पे हमें एक हुक लगा लेना है, यहाँ पे हम एक हुक लगा लेंगे। और फ्रंट साइड यहाँ पे हमारा कुछ खाली खाली सा लग रहा था, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये फ्लावर बना के थोड़े से मोती भी मैंने यहाँ पे ये लगा दिए हैं, तो इससे इसका लुक और भी अच्छा आ गया है। कमेंट में बताइएगा कि ये जो फ्रॉक है ये आपको कैसी लगी, और अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।